दोस्तों यूपी टेट दो नोटिफिकेशन एग्जाम डेट एप्लीकेशन फॉर्म जल्द भरा जाएगा यू टेट का फॉर्म अगस्त में परीक्षा संभव है दोस्तों तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में दोस्तों हम बात करें यू पी टेट एग्जाम 2021 के बारे में दोस्तों तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी, भी सब्सक्राइब कर लें नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर अब बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए वीडियो को एक लाइक कर दें वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो दोस्तों यूपी टेट दो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन न्यू एग्जाम डेट एप्लीकेशन फॉर्म डेट लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट ए यूपी टेट सॉरी दोस्तों यू पी टेट दो नोटिफिकेशन पोस्टपोन तो दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 हज़ार इक्कीस यूपी टेट को लेकर अब स्थिति साफ होने की उम्मीद की जा रही है कोरोना की वजह से इस साल यह परीक्षा अभी तक स्थगित है लेकिन अब राज्य में कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक सुधार हो चुकी है प्रदेशव्यापी लॉकडाउन जैसे कपड़े कड़े प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड जल्द ही नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करें दरअसल इस साल में 25 जुलाई को टेट की परीक्षा तारीख तय की गई थी इसके लिए बाकायदा 21 मई को नोटिफिकेशन जारी होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से एन मौके पर नोटिफिकेशन को स्थगित कर दिया गया 25 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 18 मई को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाला था और एक जून तक फॉर्म भरने की तारीख तय थी लेकिन अब ये सभी चीज़ें स्थगित हैं दोस्तों और दोस्तों आप हम लोग को पता है कि यूपी टेट की परीक्षा में हर साल करीब सत्रह लाख अभ्यर्थी भाग लेते हैं यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित होती है राज्य में शिक्षक शिक्षक की नौकरी के लिए यूपी टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है दोस्तों और दोस्तों अब राज्य में कोरोना की स्थिति सुधार को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस महीने इस महीने इस बारे में कोई नया आदेश आ सकता है मतलब जुलाई में कोई नया आदेश आ सकता है ऐसे में इस महीने कोई नया आदेश आता है तो जुलाई में परीक्षा असंभव है अगर इस महीने में कोई अपडेट्स आता है या फॉर्म भरा जाता है तो परीक्षा जुलाई में होना असंभव है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि फॉर्म भरने के लिए एक महीने का समय चाहिए परीक्षा की तारीख अगस्त में अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पहुँच सकती है दोस्तों अगर इस महीने में जुलाई में अगर आपका फॉर्म भरा जाता है तो यह परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह तक पहुंच सकती है लेकिन जुलाई में अभी एग्जाम नहीं होगा ये मांग चल सकते हैं कि एक से एक महीने लग जाएगा आपका टोटल फॉर्म भरने के लिए वहीं से 20 से 25 दिन में आपका एग्जाम करा दिया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों अपनी जो तैयारी चल रही है उसको तैयारी करते रहें क्योंकि इसी महीने ये बोला गया है किसी महीने में कोई ना, कोई नया आदेश आने वाला है यू पी टेट की तरफ से यू पी टेड का मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म कब से कब भरा जाएगा एग्जाम डेट सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी जो तैयारी करें करते रहें और जुलाई में परीक्षा नहीं होगा जुलाई और जुलाई में फॉर्म भरा जाएगा और जो परीक्षा होगा आपका अगस्त के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है परीक्षा दोस्तों तो दोस्तों यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन इसी महीने में मतलब कि जुलाई में ही जारी हो जाएगा एग्ज़ाम डेट सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब भरा जाएगा और आपका जो अगस्त में परीक्षा ये होना संभव है तो अगस्त के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों तो दोस्तों ये आर्टिकल है इंडिया डॉट कॉम न्यूज़ पेपर में आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके कर बताना है अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें